हेलो गाइस, मैं हूं मयंक और आज मैं रिएक्शन देने जा रहा हूं एक वीडियो पे जो बताएगा हाउ पाकिस्तान बिकम एटॉमिक पावर। पाकिस्तान के पास परमाणु बम कैसे आया, पूरी डिटेल। मैं इंडियन हूं और बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं इंडिया पाकिस्तान में न्यूक्लियर बम वगैरह वगैरह, जानना जरूरी है कि हम साया मुल्क के पास आखिर आया कैसे। ए आवेगा इनके चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सब्सक्राइब कर सकते हैं। पाकिस्तान से बहुत बढ़ चुकी थी रवायती हथियारों जैसे मशीन गन्स, तोपें, टैंक्स, इनमें पाकिस्तान और भारत का फर्क बढ़ता जा रहा था। लेकिन अब हुआ ये कि भारत ने मिसाइल टेक्नोलॉजी से भी खुद को लेस करना शुरू कर दिया था और अब इसके मुकाबले के लिए पाकिस्तान को भी गैर रवायती हथियारों की तरफ आना पड़ा और इसके लिए पाकिस्तान बहुत पहले से तैयारी कर रहा था। लेकिन भारत के साथ मिसाइल की दौड़ दोनों मुल्कों को एटमी धमाकों तक ले गई। इसके पीछे असल कहानी क्या थी? अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर को इसराइली चीफ ऑफ स्टाफ ने क्या खुफिया पैगाम दिया? पाकिस्तान के तैयारे के अगवा होने की कहानी क्या थी? मैं हूं फैसल वड़ाइच और देखो सुनो जानो की हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान सीरीज में हम आपको यही सब दिखाएंगे। १९९८ शुरू हो चुका था और भारत में दाएं बाजू की जमात बीजेपी के अटल बिहारी वाजपेयी वज़ीर-ए-आज़म बन चुके थे। बीजेपी वैसे भी पाकिस्तान और मुसलमानों के बारे में सख्त जज्बात रखने वाली जमात थी और अभी चंद साल पहले इसी जमात ने बाबरी मस्जिद पर हमला भी किया था, तो ऐसे में दोनों मुल्कों के हालात ठीक होने के बजाय मज़ीद ख़राब होने लगे। और सिर्फ खराब ही नहीं हो रहे थे बल्कि यह भी हो रहा था कि अमेरिका जो पहले पाकिस्तान के दिफा में तावुन करता था अब उसने भारत से तावुन बढ़ा लिया। या 1971 में अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ दिया था। भारत की तिजारत 10 अरब डॉलर तक जा पहुंची थी। भारत की रवायती जंगी ताकत पाकिस्तान से बहुत ऊपर जा चुकी थी। भारत कन्वेंशनल वेपन्स में पाकिस्तान से इतना आगे जा चुका था कि अगर दू बदू जंग हो जाती तो पाकिस्तान के लिए मुकाबला करना मुश्किल था। वो इसलिए कि ऑन पेपर भारत को फौज और हथियारों की तादाद में एटम धमाका कर सकता है ना इंडिया कर सकता है। मजीद ये एटॉमिक युद्ध हो ही नहीं सकता जैसे मिसाइल सिस्टम में भी भारत बहुत तेजी से तरक्की कर रहा था। भारत 350 किलोमीटर रेंज वाले पृथ्वी और 2000 किलोमीटर की रेंज वाले अग्नि मिसाइल भी तैयार कर रहा था जबकि पाकिस्तान M-11 था जिसकी रेंज सिर्फ 300 किलोमीटर तक थी। ऐसे में जरूरी था कि पाकिस्तान भारत की फौजी ताकत को बैलेंस करने के लिए खुद भी शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज मिसाइल्स तैयार करे और पाकिस्तान काफी अरसे से इसकी तैयारी कर भी रहा था। हम आपको हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की किस नंबर की जनाब बेस्ट पूरी कहानी दिखा चुके किस तरह खुफिया तरीके से बेंजीर भुट्टो शुमाली कोरिया से मिसाइल अगर जिस कंट्री का बनता है उस कंट्री को ज्यादा फेवर करता है न्यूट्रल नहीं होता तो पाकिस्तान में ज्यादा मजा नहीं आता। लेट्स सी जिसे वीडियो लंबी है भी कहा जाता है का कामयाब तजुर्बा किया। 1500 किलोमीटर तक मार करने वाला ये मिसाइल उस वक्त तक तैयार होने वाले तमाम आगे की बताओ जो पता नहीं है मुझे। इस मिसाइल के बारे में दावा किया गया कि इसे कोई एंटी मिसाइल सिस्टम रोक नहीं सकता। कामयाब तजर्बे में गौरी मिसाइल ने सिर्फ 10 मिनट में अपने हदफ को निशाना बनाया। गौरी मिसाइल के तजर्बे के साथ ही भारत के अहम तरीन शहर यानी दारुल हुकूमत दिल्ली, भारत का ट्रेड सेंटर बॉम्बे, चेन्नई, नागपुर, अहमदाबाद, जलंधर और जैसलमेर समेत कई शहर पाकिस्तानी मिसाइलों की रेंज में आ गए थे। ये मिसाइल तजर्बा दिफाई मैदान में एक बहुत बड़ी छलांग थी। अब ताकत का तवाजुन काफ़ी हद तक बैलेंस हो चुका था क्योंकि खुली जंग में पाकिस्तान के पास एक बड़ा हथियार मौजूद था और इसकी सलाहियत दुनिया ने देख भी ली थी। लेकिन भारत एक बड़ा मुल्क और वहाँ बीजेपी की हुकूमत, वो हुकूमत जो इक्तदार में ही पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम चलाकर आई थी, ये बात उन्हें कबूल नहीं थी। इधर पाकिस्तान में लोग खुश थे, मिठाइयाँ बांट रहे थे और मुबारकबादें ले और दे रहे थे, तो उधर भारतीय वज़ीर आज़म वाजपेयी ने ताकत का तवाज़ुन एक बार फिर अपने हक में दिखाने के लिए एटमी धमाकों का मंसूबा बना लिया।
इस मंसूबे का ऐलान उन्होंने अपने कुछ नहीं था में भी किया था, बहुत हद तक सही भी हुआ, लेकिन के मिसाइल इधर जो मैंने पढ़ा है उन्हें अपने आवाम और दुनिया के सामने एक जवाब भी फराहम कर दिया। 11 मई 1998 को वजीर आजम पाकिस्तान काजकिस्तान के दौरे पर थे कि उन्हें एक इत्तला मिली। इस इत्तला ने उन्हें जिंदगी के सबसे बड़े चैलेंज से दोचार का भी हेयर स्टाइल नवाज शरीफ से मिल रहा थी कि भारत ने राजस्थान के इलाके पोखरान में 3 एटमी धमाके कर दिए हैं। ये वही जगह थी जहां भारत 1974 में भी एटमी धमाके कर चुका था, 1996 में करने ही वाला था, लेकिन यार यूएस ने पकड़ लिया था। जब भारत ने एटमी धमाके किए तो पाकिस्तान में मुत्तहिदा अरब अमारात के सफारतखाने में उनके यौम दिफा की तकरीब हो रही थी। इस तकरीब में आर्मी चीफ जनरल जहांगीर करामत और एटमी साइंसदान डॉक्टर कदीर भी मौजूद थे। ये सब देखकर प्राउड फील दे रहे हैं, लेकिन एटमिक जंग नहीं होने वाली है, कहा तो जज्बात में ना हो का जवाब दिया जाए। अगली जंग डॉक्टर कदीर वो ट्रेड की होने वाली है, हम तैयार, जो ट्रेड कर गया वो जंग जीत गया। पाकिस्तान में एक आम आदमी से लेकर आर्मी चीफ तक सब जवाब भी एटमी धमाकों के लिए तैयार थे, लेकिन इसमें एक मसला भी था और वो ये कि जिस वक्त भारत ने एटमी धमाके किए एन उन दिनों अमेरिका की क्यादत में दुनिया में एटमी असले से पाक करने की एक मुहिम चलाई जा रही थी। इसलिए पाकिस्तान पहले भारतीय धमाकों पर आलमी रद्देमल का जायज़ा लेना चाहता था। भारतीय धमाकों के फौरी रद्देमल में ये हुआ कि अमेरिका, बर्तानिया, जर्मनी, जापान, न्यूजीलैंड तकरीबन तमाम बड़ी आलमी ताकतों ने धमाकों की मजम्मत की। अमेरिका ने तो 12 करोड़ डॉलर की फौजी इमदाद भी रोक ली। इंटरनेशनल कम्युनिटी समझती थी कि भारत ने धमाके करके एटमी असला ख़त्म करने की कोशिशों को नुकसान पहुंचाया है। जापान जो एटमी हमले सह चुका था उसके शहरों में मुजाहिरीन सड़कों पर निकल आए और भारत के खिलाफ आवाज़ें उठने लगीं। जापान, न्यूजीलैंड, डेनमार्क और ऑस्ट्रेलिया ने भारत से अपने सफीर भी वापस बुला लिए। यही नहीं बल्कि इन ममालिक ने भारत को दी जाने वाली मिलिट्री और 6 महीने तक थी यार भी रोक ली। वो तो शुरू शुरू में होता ही है, नौयत की पाबंदियां और शदीद नौयत का आज के दिन में इंडिया कर ले तो कोई नहीं बोला, लेकिन ये यहां तक तो इंडिया पहुंच चुका है। सारे दबाव चंद दिन में ही हवा हो गए। ज्यादातर वो यूं कि अमेरिका ने 12 करोड़ डॉलर की मिलिट्री एड तो रोकी, लेकिन जो अमरीकी इन्वेस्टर्स भारत में 7 अरब डॉलर की सरमायाकारी करने वाले थे वो और उनकी इन्वेस्टमेंट वही मौजूद रहे। उन्होंने अमरीकी हुकूमत पर दबाव डाला कि भारत के खिलाफ सख्त पाबंदियां ना लगाई जाए क्योंकि उर्दू आती इससे अमरीकी मुफाद ही को नुकसान पहुंचेगा। और बंदा मैंने बोला था बात नहीं होना चाहिए कि भारत ने 2 दिन बाद मजा आ रहा है देखने में और एटमी तजुर्बात कर लिया। ये सब पाकिस्तान के लिए बहुत मायूस को आपको देखना है तो आप पोखरण मूवी देख सकते हैं। सॉरी परमाणु बाद होने वाले G8 जॉन इब्राहिम की G8 इजलास दुनिया की 8 बड़ी मुआशी ताकतों का इज्तमा होता था जिसमें वो आलमी हालात और तिजारत पर गुफ्तगू करते थे। इस इजलास में जनाब इंडियन हो थोड़ा तो हिंदी बोल लें। रूस की जानिब से कहा गया कि अगर इंडिया चाहे तो 4 धमाके और कर सकता है। यही नहीं बल्कि वही ममालिक जो चंद दिन पहले एटमी हथियारों ही के खात्मे की बात कर रहे थे उन्होंने यानी अमेरिका, चीन और ऑस्ट्रेलिया, रशिया ने इसलिए नहीं बोला क्योंकि के मजीद उसे इंडिया से प्यार था क्योंकि उसका अमेरिका से नफरत था। अभी और सुने इस संजीदा तरीन इजलास में जर्मन चांसलर ने बेपर की उड़ा दी कि पाकिस्तान ने एटमी धमाके कर दिए हैं। अब ये उनका अंदरूनी खौफ था या शरारत, लेकिन पाकिस्तान के नाकर्दा एटमी धमाके की खबर जंगल में आग की तरह पूरी दुनिया में फैल गई बल्कि कई जगहों से मुजम्मत भी आ गई और पाकिस्तानी सिफारत खानों में तस्दीक के लिए टेलीफोन्स की ना थमने वाली घंटियां बजने लगी। बहरहाल इस आलमी गैर संजीदगी और ड्रामे ने बीजेपी के वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी को और शेर कर दिया। उन्होंने पाकिस्तान को खुलेआम एटमी हमले की धमकियां देना शुरू कर दी। अब वो न्यूक्लियर टेस्ट से आगे बढ़कर पाकिस्तान पर बम फेंकने की बातों पर उतर आए थे। पहले उन्होंने नहीं बोला था यार, प्लीज यार, ये पहले उन्होंने नहीं बोला था, लेकिन वो ये कर रहे थे। हमेशा पहले पाकिस्तान की तरफ से ही आता है और पहले वाले वीडियो में मैंने बोला था व्हाइट साइड की शायद मुझे याद है दोनों तरफ से बॉर्डर पर पहुंचा दिए गए थे। इस सारे दबाव को जो एक शख्स झेल रहा था वो था वजीर आजम पाकिस्तान, क्योंकि धमाकों का फैसला उन्होंने करना था और फैसले के बाद पैदा होने वाले नतायज की जिम्मेदारी भी उन्हीं की थी। और ये नतायज क्या हो सकते थे यही बताने के लिए
अमेरिकी सदर बिल क्लिंटन उन्हें फोन भी कर रहे थे। अमेरिकी सदर बिल क्लिंटन ने नवाज शरीफ को फोन किया और धमकी दी कि अगर पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए तो उस पर पाबंदियां लगा दी जाएंगी। पाकिस्तान जैसे अभी ईरान पे लगी है, अमेरिका एक बड़ा एक्सपोर्ट पार्टनर था और अमेरिकी पाबंदियां पाकिस्तान के लिए बहुत मुआशी मसाइल पैदा कर सकती थी। साथ ही साथ उन्होंने वजीर आजम पाकिस्तान को $5 अरब और F-16 तैयारों की रकम वापसी का भी लालच दिया कि अगर पाकिस्तान एटमी तजर्बात से बाज रहे तो ये सब उसे मिल सकता है। नवाज शरीफ ये सब सुन रहे थे लेकिन अमरीकी सदर की हाँ में हाँ नहीं मिला रहे थे। चुनाचे अमरीकी सदर एक कदम और आगे बढ़े। उन्होंने एक हाई प्रोफाइल डेलीगेशन पाकिस्तान भेज दिया जिसके जिम्मे सिर्फ एक काम था और वो ये कि किसी तरह पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क्यादत को कायल किया जाए कि पाकिस्तान जोहरी हथियारों का तजर्बा ना करे। ये बहुत हाई प्रोफाइल वफ था जिसमें अमरीकी सेंट्रल कमांड के जनरल एंथनी और नायब वजीर खारजा टालबोट भी शामिल थे। इस वफ ने पाकिस्तान को दबाव और धमकियों दोनों तरह से कायल करना शुरू कर दिया कि वो न्यूक्लियर टेस्ट ना करें। लेकिन अमरीकी वफ्त का दौरा नाकाम रहा और स्टेट डिपार्टमेंट ने एतराफ किया कि वो पाकिस्तान हुकूमत को धमाके रोकने पर मजबूर नहीं कर सके। अमरीकी सदर और बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने नवाज शरीफ को फोन करके आखिरी बार जोहरी हथियारों के टेस्ट से बाज रखने की कोशिश की जिसका वज़ीर-ए-आज़म ने मुख्तसर जवाब यह दिया कि मैं वादा नहीं कर सकता। जब अमेरिका और भारत को यकीन हो गया कि पाकिस्तान एटमी धमाका ज़रूर करेगा तो उन्होंने आखिरी हथियार इस्तेमाल करने का फैसला किया। वो हथियार ये था जब इंडिया कर रहा तो और अमेरिका पाकिस्तान मिलके रोक रहे थे इंडिया को, जब पाकिस्तान कर रहा था तो इंडिया और अमेरिका मिलके ने एटमी हथियार टेस्ट किया। अमेरिका चाहता क्या है, इराक जैसी इंडिया पाकिस्तान का तो समझ में आता है। इस करारदाद की तैयारी भी शुरू हो चुकी थी। जिन लोगों ने इराक पर लगने वाली पाबंदियों का दौर नहीं देखा उन्हें बताते चले कि इराक पर वैसी ही पाबंदियां आई थी जैसी आज शुमाली कोरिया पर हैं, बल्कि इससे भी सख्त। इराक बाहर से कोई चीज नहीं खरीद सकता था ना बेच सकता था। दुनिया के ज्यादातर ममालिक के इराक से सफारती राबते खत्म थे। उसकी फिजाओं में अमेरिका और बरतानिया के तैयारे चक्कर लगाते रहते थे, यानी इराक को अमली तौर पर पत्थर के दौर में धकेल दिया गया था। अगर सलामती कौंसिल में यह करारदाद मंजूर हो जाती तो पाकिस्तान कभी एटमी हथियार टेस्ट नहीं कर सकता था, क्योंकि ऐसा करने की सूरत में उसे भी इराक जैसे इंजाम से दोचार होना पड़ता। लेकिन इस दौरान भारत की एक गलती ने पाकिस्तान को बचा लिया। हुआ यूं कि भारत ने पाकिस्तान के साथ चीन को भी धमकाना शुरू कर दिया। इंडिया ने कहना शुरू किया कि चीन उन भारतीय इलाकों को फिलफौर खाली करे जिन पर उसने 1962 में कब्जा कर लिया था। अब ये पाक चीन दोस्ती थी या फिर चीन का भारत पर गुस्सा कि उसने सलामती कौंसिल के मेंबर्स को यह पैगाम भेज दिया कि अगर एटमी धमाकों के खिलाफ पाबंदियों की करारदाद सलामती कौंसिल में लाई गई तो वो उसे वीटो कर देगा। चीन के इस ऐलान से आलमी ताकतों का पाकिस्तान को रोकने का मंसूबा खाक में मिल गया और यह करारदाद सलामती कौंसिल में पेश ही ना हो सकी। इस मरहले पर एंट्री हुई एक और धमाका खेज खबर की। खबर यह थी कि इसराइल भारत के साथ मिलकर पाकिस्तानी एटमी तनसीबात पर हमला कर सकता है, जैसा कि वो इराक की तनसीबात पर कर चुका था और इराक की तनसीबात तबाह भी हो चुकी थी। वो अजीब कंट्री। गर्चे इस खबर के बाद अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर से इसराइली माना दुश्मन है यार आपका, बट और वाजिया किया है लेकिन उसकी पाकिस्तानी तनसीबात पर हमले का कोई मंसूबा नहीं है। लेकिन इस वक्त तक पाकिस्तान फैसला कर चुका था। अब एक तरफ तो ये आलमी दबाव था, भारत की धमकियां थी, लेकिन दूसरी तरफ अंदरूनी दबाव भी बहुत ज्यादा था। इमरान खान लाहौर में मुजाहरे कर रहे थे कि रूखी सूखी खाएंगे, एटम बम बनाएंगे। जमात इस्लामी अलग अल्टीमेटम दे रही थी। एक बात बताओ, एटम बम का क्या काम आ रहा है? कुछ भी नहीं। जनरल नियाज़ी इंडिया में एटम बम नहीं, क्या बस क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे। बात यहां तक पहुंची कि रावलपिंडी में नन्हे बच्चों का एक जुलूस निकला। जुलूस में बच्चे कह रहे थे कि उन्हें फीडर नहीं न्यूक्लियर ब्लास्ट चाहिए। इस सारी सूरतेहाल से आप समझ चुके होंगे कि बैरूनी और अंदरूनी सतह पर धमाके करने का वक्त पर मौजूद था। पाकिस्तान धमाके करने के लिए तैयारियां कर रहा था लेकिन आलमी अमन और एटमी फैलाव रोकने के लिए पाकिस्तान ने दुनिया से एक आखिरी मुतालबा कर दिया। मुतालबा यह था कि पाकिस्तान ने आलमी बरादरी को पेशकश की कि अगर
भारत अपने एटमी हथियार तलफ कर दे तो पाकिस्तान भी इस रास्ते पर चलने के लिए गौर करेगा। यह एक पेशकश थी जिस पर बातचीत के लिए पाकिस्तान ने आगाज किया, लेकिन यह सदा बसहरा साबित हुई। इन सब बातों के दरमियान ईरान और अफगानिस्तान के करीब पाकिस्तानी सरहद पर एक बहुत कम आबाद और बेआबो गया पहाड़ी चट्टानों के दरमियान कुछ ऐसी नकलो हरकत भी हो रही थी जिस पर अमरीकी सेटेलाइट्स की गहरी नज़रें थीं। ये चागी की पहाड़ियां थीं जिन्हें पाकिस्तान ने तकरीबन 20 साल पहले ही जोहरी टेस्ट के लिए मुंतखब कर लिया था। यहां धमाकों के लिए दो लोकेशंस बनाई गई थीं और अब ज़रूरी सामान भी पहुंचा दिया गया था। जोहरी तजर्बात के लिए चागी को मुंतखब करने की दो बड़ी वजूहात थी। एक वजह यह थी कि यहाँ शदीद गर्मी और पानी ना होने के बायस आबादी भी ना होने के बराबर थी। आज भी दो इसराइल के बराबर फैले चागी के ज़िले की आबादी 100,000 से भी कम है। चागी के गिर्द कई किलोमीटर तक वैसे भी इलाका खाली करवा लिया गया था। बलोचिस्तान 45% है, पूरा पाकिस्तान का, उसकी आबादी टोटल पाकिस्तान का सिर्फ 5 या 7%। दूसरी वजह ये थी कि ये जगह इतना मुश्किल था कि अमरीकी सेटेलाइट्स के बगैर यहाँ की जासूसी तकरीबन नामुमकिन थी, क्योंकि आमदोरफ्त के जराए ना होने के बराबर थे और इंसानी वसाइल से जासूसी नामुमकिन थी। उस दौर में 20 साल पहले भी इस इलाके का चप्पा चप्पा पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों की नज़र में था। चागी के पहाड़ी सिलसिले को हरस में तापकारी पहाड़ों से जल्दी बाहर ना निकल सके। अब पाकिस्तान धमाकों के लिए पूरी तरह तैयार था, लेकिन धमाकों से सिर्फ 4 दिन पहले एक और सनसनीखेज वाकया रोनमा हुआ। यह ऐसा वाकया था जो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था और इस ड्रामे ने एटॉमिक टेस्ट भी खतरे में डाल दी। हुआ कुछ यूं कि 24 मई को PIA के एक तैयारे ने बलूचिस्तान के शहर तुर्बत से कराची के लिए उड़ान भरी। ये तैयारा रास्ते में गवादर में उतरा। गवादर से इसमें कुछ मजीद मुसाफिर सवार हुए। इनमें 3 मुसाफिर ऐसे भी थे जिनके इरादे कुछ खतरनाक थे। तैयारे ने 24 मुसाफिरों और अमले के 5 लोगों के साथ जैसे ही कराची की तरफ उड़ान भरी, इन मुसाफिरों ने असला निकाल लिया और तैयारे को यरगमाल बना लिया। उन्होंने पायलट से कहा कि वो तैयारे का रुख भारत की तरफ मोड़ दे। इस हवाले से हाईजैकर्स बम्बे एयर कंट्रोल टावर से भी रابطे में थे। इंडिया ने तैयारे को बम्बई के करीब एक इलाके में उतरने की इजाज़त भी दे दी, लेकिन पाकिस्तानी हुकाम हर कीमत पर तैयारे को भारत जाने से रोकना चाहते थे। उन्होंने एक दिलचस्प मंसूबा बनाया। तैयारे का रुख सुबह सिंध के शहर हैदराबाद की तरफ मोड़ दिया गया, लेकिन पायलट्स ने हाईजैकर्स को यही बताया कि वो भारतीय शहर जोधपुर में जा रहे हैं, जहां के हाईजैकर उसे ले जाना चाहते थे। हैदराबाद आया तो हाईजैकर्स इत्मीनान से उसे ही जोधपुर समझकर उतर गए। वहां पाकिस्तानी हुकाम पहले से भारतीय शहरियों के रूप में मौजूद थे। उन्होंने हिंदी जुबान में हाईजैकर से बातचीत शुरू कर दी। हाईजैकर्स ने उन्हें भारतीय समझकर उनका शुक्रिया अदा किया और मुसाफिरों की रिहाई के लिए 2 मुतालबात भी पाकिस्तान को सामने रखकर पेश कर दिए। उनका पहला मुतालबा था कि पाकिस्तान चागी में एटॉमिक टेस्ट से दस्तबरदार हो जाए। दूसरा मुतालबा था कि बलूचिस्तान हुकूमत के रुके हुए फंड्स फौरी बहाल किए जाएं। पाकिस्तानी हुकाम ने हाईजैकर्स को कायल किया कि खवातीन और बच्चों को रिहा करके मुज़ाकरात तैयारे से बाहर किए जाएं। हाईजैकर्स ये मुतालबा मान गए। वो तैयारे से बाहर आए तो कमांडोज ने एक्शन शुरू कर दिया और 3 हाईजैकर्स को जिंदा पकड़ लिया। बाद में ये इंकशाफ हुआ कि 3 हाईजैकर्स रा के एजेंट थे। वो ग्वादर एयरपोर्ट पर 1,00,000 रुपया रिश्वत देकर असले समेत जहाज में सवार हुए थे। उनका मंसूबा ये था कि वो तैयारे को जोधपुर से नई दिल्ली ले जाएंगे और वहाँ भारतीय मीडिया पर अपने मुतालबात पाकिस्तान से पेश करेंगे, जिसे लाइव दिखाया जाएगा। लेकिन उनका यह खतरनाक मंसूबा मट्टी में मिल गया। ये वो लम्हा था जब पाकिस्तान अपने तजर्बात के लिए पूरी तरह तैयार हो चुका था। दोस्त ममालिक चीन और सऊदी अरब को पाकिस्तान ने एतमाद में लिया और अमलन दुनिया से कह दिया कि अब रोक सको तो रोक लो। 28 मई 1998 को जुमेरात के रोज चागी के गिर्द 100 किलोमीटर का इलाका पाक फौज ने घेरे में ले लिया। चागी की फिजा में फाइटर जेट्स परवाज करने लगे। मुमकिन भारतीय हमले के जवाब के लिए मिसाइल नस्ब करके भारत के कई शहरों को निशाने पर रख लिया गया। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 3:16 पर चागी के पहाड़ 5 एटमी धमाकों से गूंज उठे।
ये चागी वन था। 30 मई को एक और जौहरी टेस्ट किया गया, ये चागी टू था। 5 भारतीय एटमी धमाकों के जवाब में 6 धमाके हो चुके थे और पाकिस्तान दुनिया की 7वीं एटमी ताकत बन चुका था। लोग नाचते हुए सड़कों पर निकल आए, मिठाई की दुकानें खाली हो गईं और बैरूने मुल्क बैठे हुए पाकिस्तानी जहां जहां थे खुशी से सरशार हो गए। लेकिन भारत, जहां से रोजाना धमकियों की गूंज सुनाई देती थी, वहां आज खामोशी थी। बल्कि नई दिल्ली में लोकसभा में धमाकों की खबरों के साथ ही हंगामा बरपा हो गया और इजलास बर्खास्त करना पड़ा। चागी वन और चागी टू तो हो गए, लेकिन अब उसके नतायज भी थे। धमाकों के मुखालिफ ममालिक ने पाबंदियां लगाईं, जबकि दोस्त ममालिक ने इमदाद का ऐलान कर दिया। जर्मनी ने पाकिस्तान की इमदाद रोक ली। अमरीकी सदर बिल क्लिंटन ने पाकिस्तान पर पाबंदियां लगाकर सजा देने का भी ऐलान कर दिया। ये तो होना ही था। स्वीडन ने पाकिस्तान को हथियारों की इंडिया के साथ ही हुआ था। यहां तक कि चीन ने भी धमाकों पर अफसोस का इजहार किया। जापान ने भी पाकिस्तान पर पाबंदियां लगा दी। वर्ल्ड बैंक, IMF और एशियन बैंक जो इमदाद फ्राहम कर रहे थे वो रोक दी गई। पाकिस्तान पर $32 अरब कर्ज था और मरकजी बैंक में कुल रिजर्व महज $1.26 अरब थे। अब सामने एक नया इम्तिहान था और जेब तकरीबन खाली थी। पाकिस्तान ने इस बहरान से कैसे मुकाबला किया और कैसे कामयाबी से इन पहाड़ जैसे मसाइल से निजात हासिल की, यह कहानी भी आपको दिखाएंगे, लेकिन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की अगली किस्त में। हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की इस किस्त में हमने गुड वीडियो, एक दो फैक्ट्स मुझे नहीं लगता करेक्ट है, बाकी काफी अच्छी वीडियो है। ये पूरी कहानी जानने के लिए कि पाकिस्तान मिसाइल टेक्नोलॉजी में कैसे कामयाब हुआ और ये कैसे शुरू हुई, आई विल गेट बैक टू यू मैन। अगर एटॉमिक हथियार की तो इंडिया के पास भी है, पाकिस्तान के पास भी है, चाइना के पास भी है, US के पास भी है, फ्रांस के पास भी है, इसराइल के पास भी है, तो जो बड़े बड़े देश हैं उनके पास है। और मेरे ख्याल से पाकिस्तान एकमात्र इस्लामिक कंट्री है जिसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, लेकिन उसका काम क्या है भाई ये बता दो। इंडिया के पास भी न्यूक्लियर बॉम्ब है, पाकिस्तान के पास इंडिया से ज़्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब है, लेकिन इंडिया के पास शायद 110 से 120 है, पाकिस्तान के पास शायद 120 से 130 है, जहाँ तक इंटरनेट पे मिलता है। कोई भी देश इसको रिवील नहीं करता कि भाई मेरे पास कितना है। तो अगर आप कमेंट में रख रहे हो कि इंडिया के पास, पाकिस्तान के पास इतना बॉम्ब है, इंडिया से 10 गुना ज़्यादा है, 20 गुना ज़्यादा है, नो, किसी को फैक्ट नहीं पता। जो ISI के होंगे या फिर कोई बहुत अंदर तक का लीडर होगा उसको पता होगा, शायद प्राइम मिनिस्टर को भी पाकिस्तान का ना पता हो कि कितने न्यूक्लियर बॉम्ब है पाकिस्तान के पास। बट ये बताया जाता है कि पाकिस्तान के पास इंडिया से थोड़े बहुत ज़्यादा जो है वो न्यूक्लियर बॉम्ब है। सबसे ज़्यादा जो न्यूक्लियर बॉम्ब है वो है US के पास और रशिया के पास। दुनिया में जितने न्यूक्लियर बॉम्ब है उसका 70% पे जो हिस्सेदारी है वो US के पास है और रशिया के पास है, और ये दोनों देश ही हैं जो होर लगाए थे न्यूक्लियर टेस्ट करने का, और उसको देखते देखते बाकी कंट्री भी इस रेस में शामिल हो गए। और आज एशिया में तीन या चार ऐसे कंट्रीज हैं, चार, रशिया, चाइना, इंडिया एंड पाकिस्तान, जिसके पास ये असला मौजूद है। बात करें अमेरिका की तो यार अमेरिका का कुछ पता नहीं। जब इंडिया टेस्ट कर रहा था पोखरण में तो उस वक्त ISI और CIA ये दोनों मिलकर प्लान कर रहे थे कैसे इंडिया को रोकना है। उस वक्त सैटेलाइट इंडिया के ऊपर घूम रही थी पोखरण के ऊपर, और उस वक्त इंडिया पकड़ा गया था, वो 1996 की बात है। और फिर बात आई थी फिर से एक धमाका करने की, और तब हुआ था, तब सैटेलाइट को धोखा दिया गया था, काफ़ी दिमाग वाले लोग थे तो उसने जैसे तैसे सैटेलाइट को धोखा दिया, रात में काम किया, और जब पता चला, शक हुआ, ISI और एक CIA के एजेंट थे जो इस पे गौर कर रहे थे, मैं इंडिया का बता रहा हूँ, तो उसने, उनको शक हुआ, अमेरिका ने जो है सैटेलाइट 2 और मोड़ दी थी पोखरण की तरफ। तब इंडिया ने बोला ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, और उन्होंने कश्मीर में अपनी फौज बढ़ा दी पाकिस्तान पे प्रेशर बनाने के लिए, और अमेरिका को लगा शायद इंडिया पाकिस्तान की जंग ना हो जाए, और फिर सैटेलाइट उन्होंने कश्मीर पे कर दिया और फिर पोखरण खाली, और वहाँ पे इंडिया ने टेस्ट किया। तो ऐसे इंडिया का न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था। पाकिस्तान ने जैसे बनाया, देखिए कोई भी देश नहीं चाहता है कि किसी और देश के पास न्यूक्लियर बॉम्ब हो, जैसे आजकल नॉर्थ कोरिया बार बार ऐसा कुछ कर रहा है, सेम थिंग उस वक्त भी चल रहा था। तो कोई देश नहीं चाहता कि सामने वाले के पास कुछ हो, तो जैसे आप नहीं चाहते थे इंडिया के पास हो, वैसे इंडिया नहीं चाहता था आपके पास हो, तो चलता तो ऐसा ही है भाई। बात करें वो प्लेन हाईजैक की, तो वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, और मुझे ये
समझ नहीं आया कि अगर कोई हाईजैक करेगा, कोई कंट्री अगर हाईजैक कर रहा है या फिर रॉ हाईजैक कर रहा है, तो वो प्लेन को हाईजैक करके उस कंट्री में क्यों लेके जाएगा जहां से वो बिलोंग करता है या जिस कंट्री ने उसे स्पॉन्सर किया है, क्योंकि वो कंट्री तो पकड़ा जाएगा ना। तो ऐसी बेवकूफ़ी कोई कंट्री क्यों करेगा, मुझे समझ नहीं आया। तो उस फैक्ट्स पे मुझे थोड़ा सा डाउट है। और अगर वो ऐसा कुछ रहता तो मैंने तो पढ़ा हुआ यार, पता नहीं मैं ये मिस कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि सारे हिस्ट्री इंडिया और पाकिस्तान से रिलेटेड लगभग मैंने पढ़े हुए हैं। और मेरे रिव्यूज़ में बाकी आपको एहसास होता होगा कि बंदा थोड़ा बहुत तो इन मुद्दों पे जानता है। वैसे सही है, तो आप लिंक मुझे भेज दें व्हाट्सएप पे, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा नंबर, इंस्टाग्राम पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, या फिर कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, मैं चेक कर लूँगा फिर अपना रिव्यू डाल दूँगा सही है गलत है, जहाँ आपका मन वहाँ पे पूछ लेना भाई। बात करें इस वीडियो की, तो जनाब ने 20 मिनट का वीडियो बनाया, तो मेरे ख्याल से ये 12 से 15 मिनट में ख़त्म हो जाना चाहिए था। थोड़ी सी भाई ने लंबी कर दी वीडियो, लेकिन ओवरऑल बहुत सही वीडियो था, बहुत अच्छे से इन्होंने समझाया। द वाइट साइड जैसा वो चैनल है उसी तरीके से ये समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हिंदी उर्दू के बजाय अगर इंग्लिश न्यूज़पेपर्स का ये सोर्स देते डालते तो मैं अच्छे से पढ़ भी सकता, क्योंकि वो बार बार पेपर आ रहा था न्यूज़पेपर जो उर्दू में था, तो भाई को आपके समझ नहीं आया। वापस से बात करें अगर न्यूक्लियर बॉम्ब की, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर इंडिया को एडवांटेज है पाकिस्तान के बजाय, क्योंकि पाकिस्तान में बस 4 या 5 सूबे हैं, इंडिया के पास 29 स्टेट्स है, 7 यूनियन टेरिटरीज है, बाकी इंडिया बहुत लंबा फैला हुआ है। तो अगर पाकिस्तान कुछ करता है तो पाकिस्तान ज़्यादा से ज़्यादा दिल्ली तक नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन इंडिया चाहे तो पूरा पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकता है। वहाँ पे बायस्ड होकर बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, ये फैक्ट है, आप चेक भी कर सकते हैं, और पाकिस्तानी मीडिया में भी इस पर बात हो चुकी है। तो पागलपन होगा, न्यूक्लियर टेस्ट किया ठीक है, बट इसको किसी और कंट्री पे टपकाना, समझ रहे हो ना, ड्रॉप करना, तो मेरे ख्याल से फ्यूचर में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। सब हुल ही देते रहते हैं कि बम फोड़ दूंगा बे, बम फोड़ दूंगा बे, बट ऐसा कुछ होने नहीं वाला। असली जो जंग है वो चल रही है ट्रेड की, और जो कंट्री है समझ गया कि भाई जो ट्रेड में आगे निकला वो सिकंदर तो ही, वो कंट्री जो है आगे बढ़ सकता है, डेवलप कर सकता है और ख़ुद को जीता हुआ महसूस कर सकता है, जैसे कि कर रहा है अभी चाइना। चाइना जीत नहीं सकता यूनाइटेड स्टेट्स से वो में, कभी नहीं जीत सकता, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स इज मच 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 स्ट्रॉन्गर देन चाइना, लेकिन चाइना ने ट्रेड में ऐसी की तैसी करके रखा हुआ है यूएसए का। तो अगर कोई कंट्री आगे निकलना चाहता है तो बस वो ट्रेड में ही जीत सकता है, जंग से वो और पीछे ही जाएगा। बार बार ये बात आती है कि चाइना इंडिया लड़ लेंगे, डोकलाम में भी इंडियन आर्मी चाइना के टेरिटरी में घुस गई थी, कभी कभी चाइना इंडिया में आ जाते हैं, दोनों बोलते हैं अब वॉर हो जाएगी, दोनों कंट्री अपने अपने जो सोल्जर्स हैं वो भेज देते हैं बॉर्डर पर, लेकिन जंग कभी होती है क्या? नहीं होती है, क्योंकि दोनों कंट्री को पता है कि वी आर स्टिल डेवलपिंग, और अगर जंग में गए तो और ज़्यादा पीछे चले जाएंगे, 5 कदम आगे गए 10 कदम पीछे आ जाएंगे, तो कोई वॉर में नहीं जाना चाहता। हाँ, बस धमकियाँ होती हैं, वो देनी भी ज़रूरी है ताकि सामने वाला थोड़ा कंट्रोल में रहे, बट जंग मेरे ख्याल से तो नहीं हो पाएगा। जो कंट्री डेवलप है और जो अंडर डेवलप है लाइक सोमालिया, इराक वगैरह वगैरह, तो वहाँ पे जंग चल रही है, वहाँ पे सिविल वॉर चल रहा है, इसलिए जंग हो रही है। कोई कंट्री दूसरे कंट्री पे अटैक करके ऐसा दुनिया में शायद ही कहीं चल रहा हो। और जहाँ तक मुझे पता है यार, पाकिस्तान इज़ द ओनली कंट्री जिसके पास पाकिस्तान इज़ द ओनली इस्लामिक कंट्री जिसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। तो यार मतलब इस्लामिक कंट्री में जाते होगे तो आप लोग छाती चौड़ा कर भाई भाई, मतलब एक नंबर।